तो इस साइड ये एक झरना टाइप में बना रखा है, मैं इसके ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो ये देखिए, ये है झरना, और शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बीच में शायद हो सकता है कट गई हो आवाज़। तो ये है दोस्तों झरना, जो कि तिरुपति बालाजी टेम्पल उस साइड है और उसके साइड में ये बनाया गया है, और इधर ये जो पानी है इसके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छा है और पीसफुल माहौल है बिल्कुल ही। तो ये है कुछ दोस्तों चौकी डाने के अंदर का सीन, तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये तिरुपति बालाजी है इस साइड मंदिर, और इस साइड का जो गेट है वो बंद कर रखा है। तो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है ये, क्योंकि इस साइड से धूप आती है तो बिल्कुल वहाँ पे फॉक्स रहती है धूप बिल्कुल, तो इस वजह से जो है काफ़ी अच्छी फोटो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं दिल्ली से जा रहा हूँ जयपुर। जयपुर में दोस्तों टोंक रोड पे एक चौकी ढाणी नामक रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उसमें राजस्थान का कंप्लीट कल्चर, पहनावा, खाना कैसा है और संस्कृति कैसी है वो सब दिखाया गया है। तो चलता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कि अंदर से वो किस प्रकार का दिखता है। इसके अलावा दोस्तों वो 5:30 शाम को खुलता है और रात को 11:30 बजे तक खुला रहता है। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये देखिए आप, यहाँ का एंट्री गेट है, ये कुछ इस प्रकार के पहले जो है मकान हुआ करते थे राजस्थान में, गोबर से जो लेप करके बनाए जाते थे। तो ये इसका एंट्री गेट है, और इसके अंदर गाइस टिकट जो है वो 800 रुपये पर पर्सन में है, और इसके अलावा इसमें खाना भी मिल जाता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग या जो भी आप करना चाहते हो या कुछ ख़रीदना चाहते हो तो उसके अलग से चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। तो मैं फाइनली इसके अंदर आ चुका हूँ टिकट काउंटर पे, और यहाँ पे टिकट लेंगे और उसके अंदर फिर आपको चलकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार का अंदर से सीन दिखता है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ से लेंगे टिकट और फिर इसके बाद चलते हैं अंदर। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है वो जो इसके मेन जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे डांस वगैरह है या कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, वो सारा अंधेरा होने के बाद स्टार्ट होते हैं जब लाइटें जल जाएगी। तो गाइस मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने वाला हूं, एक दिन का सीन दिखाऊंगा, यानी अभी लगभग 4:30 बजे हैं तो 4 बजे से 7 बजे तक का वीडियो बनेगा, और एक अंधेरा होने के बाद जब सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ की भूल भुलैया, तो छोटी सी बनाई हुई है बिल्कुल इस प्रकार की, और शाम को 5 बजे ये खुलता है और रात को 11 बजे तक खुला रहता है चौकी डानी, जो कि टोंक रोड पे है, जयपुर से टोंक की साइड जो रोड जाती है उस पर है। तो बेसिकली राजस्थान का कल्चर है इसमें दिखाने के लिए। तो अब इसमें जैसे एक बार घुस गए तो यहाँ से निकलना कैसे है वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। तो मैं देखता हूँ कहाँ से निकल पाता हूँ इसमें से। ये निकल तो गए हम फाइनली, और ये साइड है एलिफेंट ट्रैक। दोस्तों ये है गाड़िया लुहार के गाड्डे जिसको बोलते थे, जो बैल के पीछे चलते थे उस प्रकार के, यहाँ पे काफ़ी रिजर्व रखे गए हैं। ये देखिए, इनमें लकड़ी के टायर होते थे और जिस प्रकार का ये दिखता था ये पुराने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के लिए। ये देखिए दोस्तों, जगह जगह पे इस प्रकार से लालटेन लगाई गई है जो कि शायद रात में जलेगी, अभी तो दिन का टाइम चल रहा है। और इस साइड है झरना, वैष्णो देवी टेम्पल एंड जंगल, जय माता दी। काफ़ी खूबसूरत सा झरना है यहाँ पे, और ये वैष्णो देवी का शायद आई थिंक पहाड़ बनाया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये झरना ऊपर टॉप से दिखता है, और इस प्रकार की यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ बनी हुई है। तो मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे टॉप पे, और ये सामने एक पुरानी तोप भी रखी हुई है। तो घूमने के लिए काफ़ी कुछ जगह है इसमें, वैसे कुछ पुरानी लालटेन लगा रखी है, आई थिंक इसमें रात में जो है लाइटें जलने वाली है।
इस साइड भी कुछ विजय स्तंभ, विजय स्तंभ इज नोन एज द टावर ऑफ विक्ट्री इज लोकेटेड इन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये कुछ इस प्रकार का सीन है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये युद्ध का सीन क्रिएट कर रखा है पूरा का पूरा। और उस साइड जो दरवाज़ा है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे गढ़ वगैरह में होता है, फोर्ट वगैरह में होता है। यहाँ भी गुफा टाइप में कुछ बना रखी है भामाशाह। सो दोस्तों ये था गांव का रास्ता और ये पूरा कंप्लीट एक गांव आ चुका है जिसमें झोंपड़े बना रखे हैं यहाँ पे और लिपाई वैसे ही कर रखी है जैसे गोबर से हम गांव में करते थे, जैसे पहले के ज़माने में करते थे। आजकल तो गांव में भी सीमेंट के घर वगैरह बनने लग गए हैं। ये देखिए एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे है जिस पे ये सरकंडे डाल रखे हैं जो कि गाँव में आज भी डालते हैं जानवरों वगैरह के लिए जो बनाते हैं। और ये ट्रेन वगैरह लटकी हुई है और ये गाँव का बीच का सीन है। इनके अंदर भी ये देखिए एक माँ जो है वो अपने बेटे को सुला रही है और इधर एक बुज़ुर्ग आदमी है वो कुछ काम कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के घर हुआ करते थे पहले गांव में। ये यहाँ पे जूतों की सफाई चल रही है, यहाँ पे चक्की चलाई जा रही है और एक माँ अपने बेटे को खाना खिला रही है। तो सब में कुछ ना कुछ बना हुआ है अंदर। ये शायद कुछ भट्टी पर काम हो रहा है। और ये देखिए आप एक कह सकते हैं छोटा सा गाँव है एक प्रकार से बनाया हुआ दिखाने के लिए कि कुछ इस प्रकार का कल्चर हुआ करता था। और ये चारपाई देखिए गाइस आप कितनी बड़ी है। तो ये हो चुके गांव के कंप्लीट विजिटिंग, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा मगरमच्छ इसमें डाला हुआ है जो है आर्टिफिशियली। और ये यहाँ पे कुछ हिरण है पीले कलर के। और ये है राम राम सा गांव रो गाँव रास्ता गांव रो, ये गांव की तरफ कोई रास्ता जाता है। तो इसमें चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। थोड़ा और घूम कर आना पड़ेगा इस साइड। कंप्लीट जैसे गोबर से हम लिपाई वगैरह करते हैं राजस्थान में, उस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी हुई है कम्प्लीटली। तो ये गांव आ चुका है एक लोकल सा बिल्कुल ही। कहने को तो दोस्तों ये चौकी ढाणी है जो कि राजस्थान का कल्चर दिखाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेटों के अलग भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं जैसे मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। ये जम्मू एंड कश्मीर का है जो कि बिल्कुल पानी के अंदर तैरता हुआ एक जहाज टाइप में है और अंदर बेड वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर है देखने में। ये देखिए आप पानी के बीचों बीच। और इस साइड केरला वगैरह का भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। तो लगभग सारे स्टेट तो यहाँ पे आई थिंक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेटों के जो है बना रखे हैं इन्होंने। ये क्या चीज़ है, जैसे ये सिक्किम का है सामने वाला। सिक्किम इज सिचुएटेड इन हिमाचल फुटहिल्स, द कल्चर ऑफ सिक्किम प्रेजेंट। और अभी सफाई चल रही है इसका, एक्चुअली 5 बजे का खुलने का टाइम होता है। और थोड़े से हम जल्दी आ गए, गुजरात का कल्चर दिखा रहे हैं इस प्रकार से। है राजस्थान का, इसके अंदर चलकर देखता हूँ मैं क्या दिखता है। तो ये जैसे राजा महाराजा उस टाइम हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पे हुक्का पी रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे।
जैसे राजा महाराजा के गढ़ हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पे दिखाने के लिए बनाया गया है। ये है दोस्तों गुजरात का, और इसके अंदर मैं आपको चल कर दिखाता हूँ। ये देखिए गुजरात में कुछ सजावट वाली चीज़ें ज़्यादा ही होती है, जो कि यहाँ भी रखी गई है। ये देखिए आप, यहाँ पे एक चक्की रखी हुई है, एक सिलबट्टा और कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और रोटी बनाई जा रही है बाजरे की आई थिंक। यह है दोस्तों महाराष्ट्र की बिल्डिंग, और इस किले का वजह है महाराष्ट्र। इसके अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा कल्चर दिखाया गया है जितना इनसे हो सका है। यहाँ पे एक प्लंग लगी हुई है और ये इधर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये है दोस्तों गोवा, गोवा के अंदर चलते हैं। आई थिंक ये चर्च बनाया हुआ है जिसमें ईसा मसीह की, और ये पादरी शायद इनको बोलते हैं, और कुछ इस पर गोवा का सीन है। अरे मैं क्या करूँ, ये तमिलनाडु का। अरे वहाँ जाओ यार। ये है दोस्तों रेगिस्तान का जहाज ऊंट, और शायद इनकी भी सवारी की जाती है यहाँ पे। प्लीज कीप डिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पे ऊंट की सवारी के 20 रुपए है, ऊंट गाड़ी के 20 रुपए, बलद गाड़ी 20 रुपए, नाव की सैर 20 रुपए, घोड़ा गाड़ी 20 रुपए, घोड़ोरी सवारी 20 रुपए। ये इस प्रकार से इसका प्राइस टैग है, और यहाँ पे आप सवारी कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये राजस्थान के कल्चर में ही आता है ऊंट की सवारी, तो काफ़ी लोगों को पसंद ही होती है। तो बैलगाड़ी की भी सवारी कर सकते हो, यहाँ पे बैलगाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, और हाथी की भी सवारी यहाँ पे होती है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो कम्प्लीटली दिखाना तो मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। शायद नाइट में कल्चरल प्रोग्राम चलेगा राजस्थान का, चंपी मालिस दर 20 रुपये एक जनारा, राजस्थान में लिखा हुआ, राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो इस साइड शायद आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो। अभी मैंने जैसा कि बताया 5 बजे के बाद खुलेगा ये, लेकिन तब उस टाइम अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। इस वजह से मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, तो ये जब खुलेगा तब भी मैं आपको दिखा दूँगा और इसमें क्या कुछ है। ये दोस्तों गुफा, और इसमें कुछ ड्रावनी सी आवाज़ें भी आ रही है साथ में, ये देख सुन सकते हो जैसा कि आप वीडियो में, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्रावनी भी नहीं है, नॉर्मल ही है वैसे। यहाँ से होती है बाहर एग्जिट। ये बेसिकली एक कुआ है, और कुएं से किस प्रकार से पानी निकालते थे वो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इस साइड बैल है, बैल से खींच के पानी निकलता था, और ये कुआ अभी तो इसमें पाइप वगैरह लगा रखे, शायद समरसीबल वगैरह से निकलता है, लेकिन होता ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होती थी।
और यहाँ भी चारपाई है बैठने के लिए, और यहाँ भी ये लकड़ी पे चलने वाला शो चलेगा, इस पे रस्सी पे लड़की या लड़का कोई भी चलेगा, जो कि स्ट्रीट में जो गलियों में खेल होते हैं कुछ इस प्रकार का सीन यहाँ पे दिखेगा अभी जब ये ओपन हो जाएगा। और ये जैसलमेर रिडाणी, चारपाई काफ़ी बड़ी बड़ी है और पाए भी काफ़ी इनके मोटे मोटे हैं, जनरली इतने मोटे घरों में नहीं होते हैं। और फोटो खींचन रिठोर, मतलब ये फ़ोटो खींचने के लिए एक ठिकाना है, यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। इंद्रजाल, यहाँ पे शायद वो मैजिक वगैरह कुछ दिखाया जाएगा। अभी इसकी तैयारी चल रही है और ये फ़ोटो का खर्चा है ढाणी आर्ट स्टूडियो, तो यहाँ पे मैजिक इंद्रजाल मतलब मैजिक को ही कहते हैं बेसिकली, जादू दिखाया जाएगा यहाँ पे। ये जैसलमेर की ढाणी है, यहाँ पे ये शेषनाग बना रखा है। ये लैंप जो लगे हुए हैं गाइस, इनमें बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि नाइट में आई थिंक जलने वाले हैं। और ये एक बीच में इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है जो जा रही है यहाँ से। तो आज क्योंकि मंडे है इस वजह से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है, सैटरडे संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। और ये स्टॉल वगैरह बने हुए हैं जहाँ से आप कुछ खरीदना चाहो तो खरीद भी सकते हो, 5 रुपीज़ 3 टाइम्स। ये मतलब जैसे मेले में नहीं होता मैजिक टाइप में, जैसे बॉल वगैरह डालनी होती है या निशाना वगैरह लगाना होता है, तो कुछ इस प्रकार का सीन यहाँ पे है। ये ज्योतिष फेस रीडर 100 रुपीज़। और इस साइड चलेगा हाथी का शो, मैं इसके अंदर आपको लेकर चलता हूँ। ये भूल भूल मैंने आपको दिखाया, ये वह विश्व प्रसिद्ध हंडी घाटी है जहाँ से होकर प्रताप की सेनाओं ने इस घाटी को पार करके उस पार कन्नौर के समीप खड़ी मुगल सेनाओं से संघर्ष किया था। इस घाटी की विशेषता यह है कि इस घाटी के मिट्टी में उसका रंग पीला कर दिए हुए है, इसीलिए हल्दी के समान रंग वाली मिट्टी का होने के कारण उसको हंडी घाटी कहा जाता है। यह बहुत ही सरल जगह है जिसमें से होकर प्रताप की सेनाओं ने। दोस्तों ये है एक गुफा का द्वार, मैं इसके अंदर लेकर चलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। इस साइड हल्दी घाटी है, चल आजा गुफा के अंदर। तो मैं मोबाइल की लाइट जला लेता हूँ क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है कैसी होगी अंदर, मुझे नहीं पता। तो ये देखिए, बना डरावनी रखिएगा इस बिल्कुल ही, और शायद आपको इसमें नहीं दिखेगी, मैं मोबाइल का कैमरा ये दोस्तों गुफा, और इसमें कुछ ड्रावनी सी आवाजें भी आ रही है साथ में, ये देख सुन सकते हो जैसा कि आप वीडियो में, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्रावनी भी नहीं है, नॉर्मल ही है वैसे। यहाँ से होती है बाहर एग्जिट। यहाँ पे दोस्तों हल्दी घाटी बैटल का पूरा इतिहास लिखा गया है, और ये कुछ इस प्रकार से हल्दी घाटी का स्ट्रक्चर जो है इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद हो गया, लेकिन उन्हें क्या मिला? यहाँ पे हिस्ट्री चलती रहती है, लेकिन स्पीकर बज रहे हैं, रोटी के लिए लड़ता हुआ ये देखिए आप, तो बड़ी क्लारी होती है। ये पूरा हल्दी घाटी का युद्ध का सीन क्रिएट कर रखा है इन्होंने प्रैक्टिकली फिजिकली। श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल का रास्ता इधर जाने के लिए, ये देखिए आप कम्प्लीटली सीन क्रिएट कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है ये,
यहाँ पे भाले लेके कुछ खड़े भी है नेचुरल इंसान। और ये श्री कुट्टी बालाजी, तो अभी चलते हैं श्री कुट्टी बालाजी के एंट्रेंस पे। वाओ, ये देखिए गाइस कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। यहाँ पे आके एक बात तो है कि आप सिटी की लाइफ से अगर परेशान हो चुके हो या इरिटेट हो गए हो तो आप यहाँ पे पीसफुली घूम सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए किले जैसी दीवारें बनाई गई है। गंगा आरती का टाइम भी है, 7:30 से 9:30 बजे के बीच में गंगा आरती भी होगी। और ये एक प्रकार से गंगा घाट टाइप में ही कुछ बना रखा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और ये देखिए आप, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, ओम नमः शिवाय। और शायद वो जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो कि बिल्कुल गोल्डन टाइप में बना रखा है, ऊपर से पूरा कम्प्लीटली गोल्डन है। और इस साइड चल के देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। और वहाँ पे एक पानी का झरना टाइप में झरना भी बना रखा है। और ये देखिए काफ़ी सारे मंदिर भी है, इधर बालाजी का मंदिर है जहाँ पे इंसान जो है पूजा पाठ भी कर रहा है। ऋषि मुनि जो है अंदर नदी, ये जो पूल टाइप में बना रखा है इसके अंदर स्ट्रक्चर बना रखे हैं ऋषि मुनियों के। सांवरिया सेठ धर्मशाला, ये है गाइस तिरुपति बालाजी का मंदिर जो कि बंद पड़ा है अभी। तो शायद ये सारी चीज़ें आई थिंक सैटरडे संडे को ही खुलती है, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अदरवाइज़ इनको सारी सबको खोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि आज मंडे है, इस वजह से ज़्यादा किया नहीं होगा। ये दोस्तों अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि कुछ किस प्रकार से जो रानी पद्मावती थी और उसकी जो सहेलियां थी वो अग्निकुंड में कूद गई थी, तो वही सीन यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है दिखाने के लिए। तो ये सामने है मेरे अग्निकुंड, और इसमें देखिए काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और ये लेडीज़ जो हैं इनमें एक रानी पद्मावती भी है, और इनकी सारी सखियाँ जो है वो किसी राजा जो था, मुझे स्टोरी पूरी याद नहीं है, उससे बचने के लिए, खिलजी था शायद, उससे बचने के लिए अग्निकुंड में कूद गई थी। तो उसी सीन को रिक्रिएट यहाँ पे किया गया है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो ये बैटल एरिया हो गया, अब चलते हैं, मैं कुछ आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ भी कुछ सर्कस वगैरह चलने वाली है, तो अभी इसकी तैयारी चल रही है, सफाई वगैरह चल रही है। यहाँ पर ये बैठने के लिए बनाया गया है, जिस पर बैठ के आप इजीली जो है सर्कस वगैरह देख सकते हो जो यहाँ पर चलेगी। राम राम सा लाइव रेसलिंग कुश्ती अखाड़ा है, यहाँ पे कुश्ती होने वाली है, सर्कस नहीं सॉरी कुश्ती होने वाली है, तो वो भी होगी जब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पीसफुल झरना जो मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखाई दिया, और ये एक प्रकार से बैठने के लिए जगह बनी हुई है जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, बैठना चाहो, बातें बातें करना चाहो, किसी फ्रेंड या फैमिली के साथ आए तो इस प्रकार से यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हो। ये बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है, बच्चे झूले झूल रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है इसके अंदर, ये भी शायद गुफा टाइप में कुछ है, लेकिन इसमें मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि अंधेरे में कुछ आपको दिखने वाला तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। ये बच्चों के लिए ही है, बेसिकली बच्चों का अखाड़ा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, और जैसे पार्क वगैरह में होते हैं, बस वही सीन है यहाँ का। तो चलते हैं इस पे सेतु पे, पुल पे, देखते हैं इस साइड क्या है। इस साइड गाइस जो अलग अलग स्टेट के, जैसे असम, सिक्किम, ये अपना गुजरात, राजस्थान के जो क्वार्टर्स या कह सकते हैं कल्चर दिखाया गया था वो था, और यहाँ से मैं आपको पहले ही लेकर जा चुका हूँ। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। Thank you.
कैमल की सवारी, कैमल राइडिंग 20 रुपये इसका चार्ज है। ऊँट का जैसे आपको पता होगा ये दो बार बैठता है, तो जब ये खड़ा होता है या बैठता है तो फिर इस पर गिर लेगा सवारी।